शिव और आस्था की कहानी में शुभ शगुन की शुरुआत हो चुकी है। शादी से पहले शगुन की तैयारी है, लेकिन शगुन के साथ ही कहानी में आ जाता है ट्विस्ट। दूल्हे राजा शिव अपने होने वाली दुल्हनिया को छोड़कर निकल जाते हैं। आखिर क्यों ऐसा कुछ होता है और ऐसी एक स्टोरी है। आस्था बहुत प्रभावित हो जाती हैं और बहुत तारीफ करती हैं मेरी, बहुत चीज़ें बोलती हैं, तो तारीफें मुझे क्यों नहीं अच्छी लगती और क्यों मैं उठ के चला जाता हूँ, ये जानने के लिए आप शो देखिए, क्योंकि बहुत प्यारा सा ट्विस्ट है और एक बैक स्टोरी इसके पीछे। अपना प्यार का इजहार करती है पहली बार ओपनली सबके सामने, पूरे परिवार वालों के सामने। आई थिंक ज़्यादा लगी हाँ खुद, क्योंकि आई डोंट थिंक मुझे कुछ करना भी चाहिए। अपने आप प्यार होता है, ऐसे किसी को फोर्स करके तो नहीं होता। जरा शगुन में मिले तोहफों पर भी एक नजर डालिए। अच्छा तो मैं आपको दिखाती हूँ शगुन में क्या क्या गिफ्ट मिले हैं और क्या क्या गिफ्ट दिए हैं। वैसे मुझे लग रहा है लड़कों वालों ने ज़्यादा गिफ्ट ले लिए हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, इतनी महंगी हमने ब्रांडेड वॉच दी है शिव को, अरमानी की वॉच है, रिंग सोने की विद डायमंड्स, देखिए कितने डायमंड्स हैं, सोने की चेन भी है, और ये जो ये देखिए, और ये इनका शादी का जोड़ा है, और ये भी एकदम डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा से कुछ कम नहीं लग रहा है। तो ये एकदम वेलवेट का कपड़ा है और हमने इसमें बहुत बहुत खर्चा किया है, देख लो लड़की वाले कितने खर्चा कर रहे हैं। बट मुझे ये कलर बहुत पसंद है, ये मैंने खुद पसंद किया है क्योंकि मुझे कलर एकदम रॉयल जैसा लग रहा है और फ्लावर्स भी बहुत प्रिटी हैं। इसके नीचे वो आएगी शेरवानी, बट बहुत रॉयल लग रहा है, ये ट्रांसपेरेंट दिख रहे हैं हाँ थोड़े, ताकि उनका वेट, उनको उन सबको देखकर उनका वेट तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो हमने उनको फेक अंगूर दे दिए हैं क्योंकि शायद जब मैं उनके घर में जाऊंगी तो पता नहीं मदर इन लॉ कैसे होंगी, तो हमने शुरू से ही उनको थोड़ी खट्टी मीठी, हमारा रिलेशनशिप हो खट्टा मीठा, तो हमने फेक अंगूर दे दिए उनको। हाँ तो मैं अभी आपको अपना शादी का जोड़ा दिखाती हूँ, देख लिए, मेरे को सिर्फ एक थाल मिला है, हमारे पूरे परिवार को सिर्फ एक ही थाल मिला हुआ है। ये है मेरे शादी का जोड़ा, एकदम कॉन्ट्रास्ट है, दो कलर्स का कॉन्ट्रास्ट है, ब्लू, नेवी ब्लू एंड रेड, ज्यादा गॉडी नहीं है, सब्यसाची को आई थिंक फॉलो कर रहे हैं, बट मुझे तो फिर भी मेरी पसंद का जो मैंने शेरवानी ली है शिव के लिए, आई थिंक वो ज्यादा अच्छा है। ऐसा लगता है कि शिव और आस्था की जिंदगी में अतीत की कहानी आड़े आ रही है, देखते जाइए वो राज भी जल्द खुलने वाला है। मुंबई से सोमा वैद्य अवस्थी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।